नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट स्टडी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। तो पिछली वीडियो में हमने जो आईटी 965 की मॉक टेस्ट एक डिस्कस की थी, तो आज इसी सीरीज को बढ़ाते हुए हम मॉक टेस्ट दो करने वाले हैं। तो बिना टाइम बर्बाद करते हुए ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। When was the first release of Linux operating system? तो दोस्तों आपको बताना है कि Linux operating system जो है वो सबसे पहले कब लॉन्च किया गया था। बिल्कुल सही जवाब 1991 में, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। तो देखते हैं अपना दूसरा प्रश्न। Which of the following memory communicates directly with the CPU? इनमें से कौन सी मेमोरी जो है सीपीयू के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट करती है, संपर्क करती है? तो मेन मेमोरी इज द राइट आंसर। मेन मेमोरी में आपका रैम वगैरह आ जाता है। व्हाट इज द एड्रेस ऑफ द सेल कोरस्पोंडिंग टू द 10th कॉलम एंड 7th रो इन एमएस एक्सेल 2021? तो दोस्तों जैसा कि इसमें पूछा गया है, एक मिनट, इसमें पूछा गया है कि आपको सेल एड्रेस, मतलब एक सेल एड्रेस का 10th कॉलम एंड 7th रो क्या होगा। तो 10th कॉलम, जैसे कि सेल एड्रेस को हम लिखते हैं, सबसे पहले जब सेल एड्रेस लिखा जाता है तो सेल एड्रेस में सबसे पहले कॉलम लिखी जाती है, कॉलम के बाद रो लिखी जाती है। पहले क्या लिखी जाती है? कॉलम लिखा जाता है, उसके बाद रो लिखा जाता है। कॉलम को हम सेल एड्रेस में लिखते हैं अल्फाबेट से, अल्फाबेट माने ए बी सी डी एफ ए टू जेड सारे। बाकी रही बात रो की, रो को लिखते हैं हम नंबर में, नंबर मतलब 1, 2, 3 वगैरह वगैरह। तो हमें बताना है कि व्हाट इज द एड्रेस ऑफ दिस सेल जिसमें कि 10th कॉलम, 10th मतलब जे 7th रो मतलब 7, J7 इज द राइट आंसर। अगर आप समझ गए होंगे तो सही है, नहीं तो हम MS Excel के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, इसकी आप चिंता ना करें। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। बाय डिफॉल्ट एक्सेल पोजीशंस नंबर इन नो सेल इन MS Excel 2021 इज, सो डेफिनेटली बाय डिफॉल्ट जो होता है वो हमारा राइट अलाइन होता है। सॉफ्टवेयर दैट मोनिटर्स यूर ऑनलाइन कंप्यूटर एक्टिविटीज इज नोन एज, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर की एक्टिविटी को मॉनिटर करता है, क्या कहा जाता है? चार ऑप्शन आपके पास हैं, तो ये होता है हमारा स्पाईवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एटीएम मशीन रन ऑन विच ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एटीएम मशीन ओपन सोर्स है नहीं, क्लोज सोर्स है नहीं, शेयरवेयर है नहीं, तो बचा एम्बेडेड। तो एटीएम मशीन रन ऑन थर्ड ऑप्शन। व्हाट टाइप ऑफ की आर कंट्रोल एंड शिफ्ट? तो दोस्तों आपको बताना है कि जो आपके कीबोर्ड में कंट्रोल और शिफ्ट की होती है वो किस प्रकार की है या उन्हें क्या कहा जाता है। बिल्कुल सही जवाब मॉडिफायर कीज। मॉडिफायर कीज को, मॉडिफायर कीज इज आल्सो नोन एज कॉम्बिनेशन कीज, मतलब ऐसी कीज जो कि अकेले यूज नहीं होती। अगर आप अकेले कंट्रोल प्रेस करते हो तो कोई वर्क नहीं होगा, लेकिन कंट्रोल के साथ ए करते हो तो सिलेक्ट क्या हो जाएगा, ऑल हो जाएगा। कंट्रोल सी करते हो तो कंट्रोल कॉपी, मतलब कॉपी हो जाएगा। तो मतलब ये ऐसी कीज होती है जो अकेले यूज नहीं होती। द पावर ऑफ स्प्रेडशीट लाइज इन इट्स, जो स्प्रेडशीट की स्प्रेडशीट की जो पावर होती है वो लाई करती है किस में? तो वो करती है फॉर्मूले में लाए। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। इन एमएस वर्ड 2021 कंट्रोल प्लस डी इज शॉर्टकट यूज टू, तो आपको बताना है गाइस कि कंट्रोल डी शॉर्टकट है किसका है। तो बिल्कुल सही जवाब कंट्रोल डी से हमारा क्या होता है, ओपन फॉन्ट डायलॉग बॉक्स।
फॉन्ट डायलॉग बॉक्स मतलब ऑप्शन नंबर टू। वंस अगेन गाइज, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, इन मॉक टेस्ट का पीडीएफ चाहिए, तो आप इस नंबर पर जो कि आपके स्क्रीन पर है या डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, व्हाट्सएप में ऐड हुई है, वहाँ पर हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे। तो चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज एज अ सिंपल वे टू वेरीफाई दैट अ कंप्यूटर कैन कम्युनिकेट ओवर द नेटवर्क। एक ऐसी कमांड जो कि ये वेरीफाई करने के लिए यूज की जाती है कि कंप्यूटर हमारा नेटवर्क के साथ जुड़ा है या नहीं जुड़ा है, तो पिंग कमांड का यूज किया जाता है। पिंग कमांड इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ मालवेयर दैट कैन सेल्फ रिप्लेस विदाउट अ होस्ट प्रोग्राम, माफ कीजिएगा, रेप्लीकेट विदाउट अ होस्ट प्रोग्राम। तो हमारा बोर्न बोर्न सही आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंटैक्स एंड सेमेंटिक्स ऑफ डाटा इन एन ओएसआई मॉडल। तो प्रेजेंटेशन लेयर इज द राइट आंसर। नेम द फर्स्ट ग्राफिकल ब्राउजर। पहला ग्राफिकल ब्राउजर क्या है हमारा? www, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स या मोज़ेक। तो मोज़ेक आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द नंबर ऑफ सीवीवी डिस्प्लेड इन एटीएम कार्ड। जो आपका एटीएम कार्ड होता है उसके पीछे सीवीवी होता है, वो कितने नंबर का होता है? अगर आप एटीएम कार्ड यूज करते होंगे तो आपको सीवीवी का पता होगा। अगर आपको सीवीवी का पता नहीं है तो आप अपने एटीएम कार्ड लीजिए। एटीएम कार्ड के पहली साइड आपका क्या होगा? एटीएम कार्ड नंबर होगा। फिर आप एटीएम कार्ड को पलट देंगे तो वहां पर तीन अक्षर का सीवीवी दिया होगा, तो वो होता है हमारा तीन नंबर का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू रिस्टार्ट द कंप्यूटर। कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? तो कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट को अगर हम एक साथ प्रेस करेंगे तो हमारा कंप्यूटर क्या होगा? ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट हो जाएगा। अगर बात की जाए कि कंप्यूटर को अगर स्विच ऑफ करना हो तो कैसे होगा, तो उसके लिए हम प्रेस करते हैं ऑल्ट प्लस F4। क्लियर? ओके। फॉर हाउ मेनी डेज डज द डिलीटेड ईमेल लाई इन द ट्रैश फोल्डर। अगर आप ईमेल में मैसेज का आदान प्रदान करते होंगे, सेंड करते होंगे ईमेल, अगर आप किसी ईमेल मैसेज को डिलीट कर देते हैं तो क्या होता है, 30 दिन तक ट्रैश फोल्डर में रहता है। 30 दिन के बाद वो परमानेंटली डिलीट हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ईमेल क्लाइंट इन उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम। तो थंडरबर्ड इज द राइट आंसर। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ सेलिंग 21.7, जो भी क्वेश्चन है। तो अगर आपने थ्योरी करी है, थ्योरी पढ़ी हुई है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बड़े आराम से कर देंगे। अगर आप नए नए हैं और मॉक टेस्ट डायरेक्ट हमारी मॉक टेस्ट पर कूदे हैं तो आपके लिए डिफिकल्ट होगा। फिर भी रुकिए, जरा मैं बता ही दूं। अगर मैं यहां बताऊं तो वीडियो लंबी हो जाएगी दोस्तों। क्या करेंगे, हम इनकी एक सेपरेट वीडियो ही बना देंगे। अगर आपको आता होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो अभी अगर ये वीडियो लंबी हो जाएगी। किसी वीडियो में ये सब जो भी हमारे न्यूमेरिकल आते हैं सारे डिस्कस कर लेंगे। तो फिलहाल 21 आंसर इज द राइट आंसर। व्हाट इज मीन्ट बाय लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट इन एमएस वर्ड। तो एमएस वर्ड में जो लैंडस्केप और पोर्ट्रेट है वो क्या है? तो वो है हमारे ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन है ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ओरिएंटेशन है पर क्या है? पेज ओरिएंटेशन है, पेज का ये है लैंडस्केप या पोर्ट्रेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज बूटस्ट्रैपिंग। बूटस्ट्रैपिंग के नाम से किसे कहा जाता है या किसे जाना जाता है? तो कोल्ड बूट को बूटस्ट्रैपिंग के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा।
among the following is the founder of email? ईमेल के पापा कौन है? बिल्कुल सही जवाब, रे टॉमलिंसन हमारे ईमेल के फाउंडर हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि जो हमारा उमंग ऐप है उसमें एम स्टैंड करता है किसको? व्हाट डज एम स्टैंड फॉर इन उमंग ऐप? तो उमंग के नाम से ही स्पष्ट है, न्यू एज। राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स इज लाइटवेट? तो चार ऑप्शन आपके पास है, आप ऑप्शन पढ़ सकते हैं गाइस। बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर 3 MQTT। तो चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। द डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड्स वॉज डिजाइंड बाय? तो DES डिजाइंड बाय IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। Which one is the default word processor for Microsoft Windows? Microsoft Windows का जो default word processor होता है वो होता है आपका WordPad। और जिस पर मैंने ये प्रिंट करा है वो है हमारा Notepad। तो राइट आंसर होगा WordPad। अगला क्वेश्चन है, इन विंडोज 10 और 11 ऑपरेटिंग सिस्टम व्हाट हैपेंस व्हेन शिफ्ट की इज प्रेसेस 5 टाइम? विंडोज 10 और 11 में क्या होगा जब हम शिफ्ट की को 5 बार प्रेस करेंगे? तो स्टिकी कीज आर इनेबल हो जाएंगी। स्टिकी कीज क्या होती है ये इसकी भी एक सेपरेट वीडियो ही बनेगी, क्योंकि इस वीडियो में बताएंगे तो लंबा हो जाएगा, क्योंकि हमारा मेन मकसद है आप तक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पहुंचाना और उनका आंसर बताना, बाकी एक्सप्लेन तो हम भी नहीं कर सकते फिलहाल। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज बेटर फॉर इंप्लीमेंटिंग अ क्लाइंट सर्वर नेटवर्क? देखिए दोस्तों, जहां पर भी बात आती है क्लाइंट सर्वर की, तो क्लाइंट सर्वर में हमारा विंडोज 2000 इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लाइंट सर्वर सपोर्ट करता है हमारा विंडोज 2000, याद रखिएगा इस बात को, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इन विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम विच शॉर्टकट की इज यूज टू ओपन द स्टार्ट मेन्यू? स्टार्ट मेन्यू को ओपन करने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की दबाएंगे? तो कंट्रोल प्लस एस्केप को दबाकर हम स्टार्ट मेन्यू को ओपन कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अपोप्राइट शॉर्टकट टू जूम इन व्हाइल नेविगेटिंग बिटवीन सेल्स इन MS Excel? तो कंट्रोल ऑल्ट और इक्वल साइन सही आंसर हो जाएगा। डिस्प्ले साइज ऑफ मॉनिटर इज मेजर्ड इन? जो मॉनिटर का डिस्प्ले साइज है वो किस में मेजर किया जाता है? बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। Recently, government banned VLC media player in India. What is the full form of the VLC? हाल ही में भारत सरकार ने पीछे जैसे कई ऐपों को बैन करा था, जिसमें VLC media player को भी बैन किया, तो आपको बताना है कि VLC की फुल फॉर्म क्या थी। ये रहे आपके ऑप्शन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, और ये आपका रहा 1 करोड़ का प्रश्न। बिल्कुल सही जवाब, आप जीत गए हैं 1 करोड़। वीडियो लैन क्लाइंट, वीडियो लैन क्लाइंट हमारी VLC प्लेयर की फुल फॉर्म थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑप्शन इन जीमेल? जैसे आप जीमेल यूज करते हो तो इसमें से कौन सा ऑप्शन नहीं आता? फॉरवर्ड का ऑप्शन बिल्कुल जी आता है, मैं कहूँ रिप्ले का, आप कहेंगे सर आता है रिप्लाई का, मैं कहूँ रिप्लाई ऑल, आप कहेंगे सर बिल्कुल रिप्लाई ऑल भी आता है, लेकिन मैं कहूँ फॉरवर्ड ऑल तो आप कहेंगे सर नहीं फॉरवर्ड ऑल नहीं आता है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द MS Excel फॉर्मूला काउंट B1:3, वेयर B1 जो भी है, आप स्टेटमेंट को पढ़ लें। अगर आपने थ्योरी पढ़ी होगी तो ये क्वेश्चन आप बड़े आसानी से सॉल्व कर दोगे। अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ी हो तो आप फिर भी चिंता ना करें, हम आपको थ्योरी भी प्रोवाइड करवाएंगे, बस दिक्कत होती है थोड़ी टाइपिंग की।
इसमें पूछा गया है कि काउंट B1 रेशो B3 वैल्यू है ये, जैसा कि पीछे वाली वीडियो में मैंने बताया था कि जो हमारे काउंट फंक्शन होते हैं वो होते हैं हमारे तीन टाइप के, काउंट, काउंट ए, काउंट लेंथ। जो हमारा यहाँ पर क्या पूछा गया है, काउंट पूछा गया है ना दोस्तों, तो काउंट हमारा करता है ओनली नंबर्स को। तो नंबर कितने हमारे पास, B1 की वैल्यू 5, 4, 6, तो 1, 2, 3, 3 क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे, अगर आप नहीं समझे तो आप समझ जाएंगे थ्योरी वाली क्लास में। When was डिजी लॉकर लॉन्च, डिजी लॉकर हमारा लॉन्च हुआ था 2015 को, इज द राइट आंसर। अब आपको बताना कि डिजी लॉकर के पापा कौन है, तो अमित रंजन जी। 2015 में इन्होंने क्या किया, डिजी लॉकर को फाउंड किया या बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैश मेमोरी वर्क्स ऑन दी प्रिंसिपल ऑफ, कैश मेमोरी हमारे किस प्रिंसिपल पर कार्य करती है। तो कैश मेमोरी हमारी लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस के ऊपर वर्क करती है, इसके ऊपर काम करती है लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस के ऊपर। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, LOR। बेस्ट एग्जांपल ऑफ इंटरनेट इज, इंटरनेट का बेस्ट एग्जांपल क्या है, लैन, मैन, वैन, कैन। सबसे पहले तो अगर आपको इनकी फुल फॉर्म पता होगी तो आप बड़ी आसानी से इसका आंसर कर देंगे, तो वैन वाइल्ड एरिया नेटवर्क इज द राइट आंसर। वंस अगेन दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर JIT 965। तो क्वेश्चन है कंपाइलर कन्वर्ट सोर्स कोड इनटू, तो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कंपाइलर बदलता है, तो सोर्स कोड को कंपाइलर ऑब्जेक्ट कोड में बदलता है। इस क्वेश्चन को बार बार पढ़ लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन 100% श्योर आएगा। व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द फाइल नेम इन डीडोस, तो जो एमएस डोस है माइक्रोसॉफ्ट का एमएस डोस, उसमें जो हम फाइल सेव कर सकते हैं मैक्सिमम कितने करेक्टर ले सकते हैं, तो मैक्सिमम 8 करेक्टर हम ले सकते हैं। तो ये 3 इज द राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज बैच प्रोसेसिंग वॉज मेनली यूज इन दिस जनरेशन, जो बैच प्रोसेसिंग थी वो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में यूज करी गई थी। ब्रिज प्रोटोकॉल इंश्योर्स रिलायबल डिलीवरी, तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इज द राइट आंसर, क्योंकि TCP क्या होता है, इसमें वायर लगी होती है, तो ये क्या होता है हमारा रिलायबल होता है, डिलीवरी रिलायबल होता है। बाय डिफॉल्ट टैब स्टॉप मूव डैश स्पेस, तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि जब आप कीबोर्ड देखोगे तो वहां पर आता है एक ऑप्शन टैब का, जब हम उस टैब को दबाते हैं तो एक स्पेस छोड़ देता है वो, तो वो कितना मतलब स्पेस छोड़ता है। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, 0.50। इन एमएस एक्सेल 2021 विच शॉर्टकट की इज यूज टू इंसर्ट द करंट डेट, करंट डेट को अगर हमने एमएस एक्सेल में काम कर रहे हैं करंट डेट को इंसर्ट करना है तो किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे। तो बिल्कुल सही जवाब आपके द्वारा दिया गया, कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। इन एमएस एक्सेल 2021 विच शॉर्टकट की इज यूज टू क्रिएट, रन, एडिट और डिलीट अ मैक्रो, जैसे पीछे वाली मॉक टेस्ट वन में हमने डिस्कस करा था दोस्तों कि मैक्रो हमारा व्यू टैब में होता है, ये मैक्रो 3 टाइप का होता है, पॉज मैक्रो, व्यू मैक्रो, रिकॉर्ड मैक्रो, इसकी शॉर्टकट की होती है हमारी ऑल्ट प्लस F8। और यहाँ पूछा गया है कि अगर हमें मैक्रो क्रिएट करना हो, रन करना हो, एडिट या डिलीट करना हो तो किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे। बिल्कुल सही जवाब, ऑल्ट प्लस F8। वंस अगेन ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, प्रेसिंग F8 की फॉर 3 टाइम्स, अगर हम F8 की को 3 बार सिलेक्ट करते हैं तो क्या होगा।
तो वही होगा जो मंजूर है, खुदा होगा। हमारा क्या होगा, सारा सेंटेंस सिलेक्ट हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, सारा सेंटेंस सिलेक्ट हो जाएगा। तो देखते हैं अपना अगला प्रश्न। टू हाइड इंफॉर्मेशन इन साइड अ पिक्चर, वट टेक्नोलॉजी इज यूज। पिक्चर के अंदर इंफॉर्मेशन जो होती है उसे अगर हाइड करना हो तो किस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा, तो स्टेनोग्राफी का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी पार्ट ऑफ एन ईमेल एड्रेस। तो पीरियड डॉट जो होता है हमारा वो ईमेल का पार्ट है, एट दी रेट का साइन हमारा पार्ट है, अंडरस्कोर हमारा साइन है, लेकिन स्पेस इज द नॉट अ पार्ट ऑफ एन ईमेल एड्रेस। हु इज द प्रेजेंट सीईओ ऑफ ट्विटर। तो ट्विटर एक चिड़िया का नाम है जो हाल ही में बहुत उड़ रही है, तो उस चिड़िया के पापा का नाम क्या है? बिल्कुल सही जवाब आप लोगों के द्वारा। उस चिड़िया का नाम है पराग अग्रवाल। जी बिल्कुल। न्यू करेक्टर लिमिट इन ट्विटर हैंडल इज, जो हमारा ट्विटर का अकाउंट होता है उसे ट्विटर हैंडल भी कहा जाता है। उसमें जो आप अपना नाम डाल सकते हैं मैक्सिमम कितने करेक्टर का है, न्यू करेक्टर लिमिट, तो वह है 280 करेक्टर। तो दोस्तों बढ़ते हैं हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। विच वॉज एन अर्ली मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर हमारा है एनईएक। तो दोस्तों आपको एनईएक की फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में बतानी है, और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप इस नंबर पर कॉल, माफ कीजिएगा, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में हमारा व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और पढ़िए ज़रूर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।